ओके, गुड मॉर्निंग गाइज। अभी आज 19 नवंबर है और आज मेरा यहाँ पे डे फोर्थ है। तो आज हम यहाँ से निकल रहे हैं पोखरा के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 6:35। तो अभी एक्चुअली यहाँ पे जो पोखरा के लिए जाना होता है वो एक न्यू बस स्टॉप है जो थामेल के बिल्कुल पास है, और इसका नाम है, मैं बताता हूँ एक सेकंड, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। तो जो बस स्टॉप है इसका नाम है सोराखुट्टे, और सोराखुट्टे बस स्टॉप है ये। अभी 2-3 महीने मतलब पहले ही ये बस स्टॉप जो है इन्होंने लोकेशन चेंज किया है, और पहले कहीं और था। अभी ये सोराखुट्टे जो लोकेशन है उसके बिल्कुल पास ही है। तो यहाँ पे अगर आप मॉर्निंग में आते हैं अराउंड 6:30 या 6 o'clock भी आ जाएंगे तो यहाँ पे जो टूरिस्ट बसें हैं वो लाइन से खड़े रहते हैं, आपको बहुत सारी बसें मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे कितने सारी बसें खड़े हैं, यहाँ पे पीछे कुछ 4-5 और बस भी हैं और आगे भी कुछ 5-7 बसें और हैं। तो मैं जा रहा हूँ, ये ब्लू वाली जो बस है मैं इसमें जाऊँगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह सुबह बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो मॉर्निंग में आना यहाँ पे सही रहता है, क्योंकि आप अगर लेट आएंगे तो आपको क्या है कि सीट्स या बस मिलने का थोड़ा सा चांस जो है कम हो जाता है। तो बेटर अगर आप यहाँ पे आते हैं और पोखरा का आपका प्लान है तो मॉर्निंग आप जल्दी आइए, 6:30 तक पहुँच जाइए यहाँ पर, और उसके बाद फिर अगर लेट होते हैं देन उसकी कोई सीट मिलने की गारंटी नहीं होती है। तो बसें ठीक ठाक ही हैं यहाँ पर, मतलब कम से कम ये है कि थोड़े से कम्फर्टेबल हैं, और बसें यहाँ पे कम से कम जितना मैंने पढ़ा था या सुना था किसी से तो लोग कहते हैं यहाँ से कुछ 30 बसें हैं कुछ यहाँ से जो निकलती हैं मॉर्निंग से जो पोखरा के लिए हैं, और सारे एक ही टाइप के लग रहे हैं मुझे, मतलब कि सारे में कम्फर्टेबल सेम लग रहा है। तो ठीक है, अभी काफ़ी सारे लोग मॉर्निंग में आए हुए हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये पूरा का पूरा रोड है, और ये कोई प्रॉपर ऐसा बस स्टॉप नहीं है, वैसे ये एरिया का नाम है सोराखुट्टे, और यहाँ पे इन्होंने बस ये टेम्परेरीली बना रखा है, और इन्होंने ये सारे जो साइड में एक एक करके बस यहाँ से आपको पोखरा के लिए मिलता है और चितवन नेशनल पार्क जो है वहाँ के लिए भी मिलता है। तो ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूँ यहाँ पे किराया कितना है। तो अभी आज का जो है हमने दिया उसको कुछ 700 नेपाली रुपीज़ में। तो वैसे यहाँ से डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, मतलब वीरगंज से काठमांडू का डिस्टेंस जितना था उतना नहीं है, बट फिर भी ये लोग मतलब कि कम से कम आपको 7-8 घंटे तो लगा ही देंगे। तो ये वाली बस मेरी है, ये है बस, तो अभी तो पूरा खाली है। अभी उन्होंने कहा कि 7 बजे तक ये बस यहाँ से निकलेगी, और कुछ 13 या 15 सीटें इनकी मतलब बुक हो चुके हैं ऑलरेडी। तो होपफुली हम जल्दी निकले, यहाँ देखते हैं बाहर जाके थोड़ा सा। तो ये ओनर है उसके सामने, और टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं पोखरा के लिए। अभी यहाँ पे काठमांडू में 3 दिन हमने स्टे किया है, और थोड़ा बहुत जो भी कुछ था हमने यहाँ पे कवर किया है। अभी देखते हैं पोखरा में क्या क्या है आसपास में, मतलब साइट सीइंग है, और उसके बाद कोई ट्रेकिंग का ट्रैक देख के अच्छा खासा उससे फिर चलेंगे हम। तो अभी ये पैसेंजर्स तो आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी 6:40-45 हो रहा है, तो नेक्स्ट 15 मिनट्स में होपफुली हम यहाँ से निकल जाएँ। तो बाकी देखते हैं, बाकी अभी टूरिस्ट यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ ख़रीदना है जैसे कि ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ऑमलेट्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है वो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने केक वगैरह लिया हुआ है, जूस वगैरह है मेरे पास, तो वो यूज़ करेंगे। ये बना रहे एग रोल्स, एग रोल कितने का भैया? एग रोल क्या बना रहे हो आप? 150। ओके, एक सेकेंड बताता हूँ। हाँ, तो एग रोल जो है ये 150 का है। तो यहाँ पे अब सारे वैसे ही हैं, मतलब कि थोड़े से रेट्स जो हैं मतलब ठीक है, अब टूरिस्ट स्पॉट है, और वैसे भी यहाँ पे रेट्स इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे इनका खुद का कुछ प्रोडक्शन है नहीं, सारा कुछ जो भी है बाहर से मंगा के लाते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ जाता है। जैसे कोई भी कुछ भी सामान आप देखिए तो उसमें सारा कुछ इंडियन रुपीज़ में लिखा होता है ज़्यादातर स्टोर्स में, तो वो थोड़ा सा डबल ही होगा। मान लो अगर कोई 10 रुपये का बिस्किट हो तो उसको 20 बोलते हैं। तो ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ से मतलब यहाँ पे आ रहे हैं और इंडिया से आपको आना है, तो आपको अगर कुछ खाने पीने के लिए सामान लेके आना है तो आप बेटर होगा इंडिया से परचेज़ कर लीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गया, कुछ केक चॉकलेट्स वगैरह, वो सस्ता पड़ेगा। तो चलिए अभी सीट पे बैठते हैं। अभी बस यहाँ पे बस रुकी है, कुछ 1 घंटा बस में बैठने के बाद फाइनली यहाँ पे एक जगह पे इन्होंने बस रुका है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट के लिए कुछ खरीद सकते हैं, अगर टॉयलेट वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो जा सकते हैं। तो
यहाँ पे सही है, अभी काफ़ी सारे टूरिस्ट बस हैं जो लगे हुए हैं, मोस्टली सब कोई पोखरा या फिर चितवन जा रहे हैं। तो जो जो बस वहाँ पे मॉर्निंग में निकले थे सारे, तो सारे वही अभी एक एक करके निकले यहाँ से। कुछ इस साइड पे हैं, कुछ इस साइड हैं, और कुछ बसेस जो हैं जो नाइट बसें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आ रहे हैं, कुछ पोखरा से आ रहे हैं, कुछ वीरगंज से और धनगढ़ी से भी बस आ रहे हैं यहाँ पे। ये है कहाँ से पता नहीं, तो ये अपनी बस है। तो अभी यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक है, अभी देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा है वैसे यहाँ पे, मतलब कि थोड़ा सा व्यू सामने, ये देखिए माउंटेन्स हैं और यहाँ पे इन्होंने कुछ फार्मर्स हैं जो इन्होंने सब्जियाँ वगैरह लगाए हुए हैं सामने। ये देखिए ऊपर इन्होंने स्टेप स्टेप करके करा हुआ है फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग कहते हैं इसे। तो ठीक है, अभी देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए कुछ है क्या यहाँ पे। या आई एम फ्रॉम YouTube यस योर चैनल। पकौड़ा ले लेते हैं, चाय तो नहीं, पकौड़ा ले लो। पकौड़ा तो ले लेते हैं, चाय भी ले, चाय नहीं पीऊँगा। केक्स मफिन्स वगैरह हैं, चिप्स वगैरह भी है। तो ठीक है, काफ़ी सारा कुछ है खाने पीने के लिए, यहाँ से आप खरीद सकते हैं वैसे। तो देखता हूँ मैं अभी कुछ यहाँ पे, मैंने पकोड़े के लिए वैसे बोल रखा है, तो वो मेरे फ्रेंड जो है रावत जी वो ले रहे हैं। बाकी काफ़ी भीड़ है यहाँ पे क्योंकि सारे बस यहीं से अभी निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 10 और अभी और एक जगह पे इन्होंने बस रोकी है और ये ब्रेकफास्ट के लिए है, कहा इन्होंने 15 मिनट यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्योंकि फर्स्ट स्टॉप पे ही हमने कुछ खा लिया था, मैगी और कुछ सब्जी, तो अभी तो कुछ फ़िलहाल नहीं खा रहे। तो देखते हैं कुछ अगर फिर भी कोई चिप्स वगैरह कुछ लेना हो तो ले लेंगे। और यहाँ पे और भी बसें हैं जो लगे हैं यहाँ पे, ये देखिए सारे पोखरा जा रहे हैं। बेंचमार्क टूर्स, हाँ ये काठमांडू, भैरवा एंड लुम्बिनी। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है हाईवे चूलो रेस्टोरेंट्स एंड बार, और अभी टाइम हो रहा है कुछ 12:30 हो रहे हैं और अभी हम यहाँ पे कुछ पोखरा के लिए अभी कम से कम 50-60 किलोमीटर और बाकी है, और अभी ये लंच के लिए यहाँ पे रुके हुए। तो अभी यहाँ पे सब कुछ मिल तो रहा है, वेज मील मिल रहा है, चिकन मील मिल रहा है, चाउमीन मोमो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, पूरी तरकारी भी है। तो उसके प्राइसेस कुछ ठीक हैं, रिजनेबल हैं, ज़्यादा है नहीं इतना ज़्यादा कि कुछ ओवर प्राइस्ड हो ऐसा कुछ, तो ठीक ठाक है। तो यहाँ पे बसेस काफ़ी सारे हैं और रश भी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये नीचे टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, और बाकी फिर यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो ये सामने है, ये इनका रेस्टोरेंट है। ये सामने दो बड़े बड़े से मतलब कि बैठने के लिए बने हुए हैं रेस्टोरेंट्स, और जगह का नाम है घंसी कूबा। तो ये सारा कुछ अभी यहाँ पे,
अभी यहाँ पे 30 मिनट का ब्रेक है, तो अभी देखते हैं कुछ लंच करेंगे यहाँ पे और फिर निकलेंगे यहाँ से। फिर होपफुली 2:30 या 3 बजे तक पहुँच जाएंगे कोकरा। यहाँ से कुछ 56 किलोमीटर है, तो शायद 2 घंटे में पहुँच जाएँ, तो 2:30 या 3 बजे जाएंगे। यहाँ से अगर हम 1 बजे तक निकलते हैं तो पहुँच जाएंगे अराउंड 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो फाइनली अभी 3 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ पे पोखरा पहुँच गए हैं बस स्टॉप पे। और यहाँ से अभी हमारा हॉस्टल जो है वो है पोखरा बैकपैकर्स हॉस्टल, वो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर है। तो अभी देखते हैं, GPS ऑन करते हैं और पास में है तो पैदल पैदल निकल लेंगे यहाँ से। वैसे तो मैं दूर भी होता तो भी पैदल निकलता हूँ, तो ये भी तो फिर भी पास ही है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी GPS ऑन करता हूँ। और ये देखिए, ये है बस स्टॉप है और नॉर्मली यहाँ से आपको काठमांडू से पोखरा और पोखरा से काठमांडू के लिए आपको यही वाला बस स्टॉप जो है ये यूज़ करना होता है। मतलब कि बाकी कहीं अगर दूसरी जगह जाना है, जैसे कि आप बीरगंज जाना है तो उसके लिए अलग बस स्टॉप है, या फिर कहीं और अगर जाना होगा तो उसके लिए अलग बस स्टॉप है। मेनली ये जो पोखरा पे जो ये बस स्टॉप है, जो टूरिस्ट बस स्टॉप है, ये बस काठमांडू के लिए बस निकलते हैं यहाँ से। तो जितने भी बसेस हैं सारे काठमांडू के लिए निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ अभी हॉस्टल का लोकेशन किधर है और फिर हॉस्टल पहुँचता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको हॉस्टल कैसा है।